नमस्ते दोस्तों, हैप्पीली वेज में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कुंदरू की सब्ज़ी। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे टेंडली, टिंडोरा, आईवी गॉड इंग्लिश में कहा जाता है। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इस रेसिपी के लिए सामग्री की सूची आप यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कुंदरों को अच्छी तरह से धोकर इसके आगे और पीछे का हिस्सा हटाकर इसे इस तरह से वर्टिकली यानी लंबा काट लिया है। मेरे पास लगभग 125 ग्राम कुंदरू है। अगर सब्ज़ी अंदर से बहुत लाल है तो उसको नहीं लेना है, क्योंकि वो टेस्ट में अच्छी नहीं लगेगी। सब्ज़ी बनाने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। मेरे पास थोड़ी सी ही सब्ज़ी है, इसलिए मैं तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको तवे पर सब्ज़ी बनाना मुश्किल लगता है या फिर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी है तो आप कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म होते ही उसमें राई डाल देंगे और चटकने देंगे। गैस की फ्लेम मैंने लो पर रखी है ताकि तड़का ना जले। अब इसमें जीरा डालकर चटकने देंगे। अब इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, 2 से 3 सेकंड के लिए फ्राई होने देंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर का मिक्सचर और हींग। इन मसालों को 2 से 3 सेकंड फ्राई करेंगे। अब इसमें तुरंत कुंदरू डाल देंगे। कुंदरू को मसाले में हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इससे सब्ज़ी जल्दी पक जाएगी और साथ ही इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं लोहे के तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि लोहे के बर्तन में खाना बनाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। लोहे के बर्तन हमारे खाने में आयरन की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे हमारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती। नमक भी डाल देंगे। नमक डालने से सब्ज़ी जल्दी पक जाती है। इसे लगभग 1 मिनट तक नमक के साथ चलाएंगे और फिर ढककर पकाएंगे। गैस को मीडियम या लो फ्लेम पर रखें ताकि सब्ज़ी जले ना। अब हम सब्ज़ी को 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, लगभग 1 से 2 चम्मच, और इसे 2 से 3 मिनट तक ढककर और पकाएंगे। इससे सब्ज़ी जलेगी नहीं और अच्छी तरह से पक जाएगी। सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 11 से 12 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेंगे। सब्ज़ी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे। दोस्तों, आप इस सब्ज़ी को चपाती के साथ या दाल चावल के साथ एज अ साइड डिश सर्व कर सकते हैं।
ये बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।